दो सहयोगी हमारे हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, शैलेश लगातार हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। शैलेश, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि आप वहां पर तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरीके से वहां पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है और पुलिस बल वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद है। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएं और वहां की व्यवस्था भी दिखाएं। बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से तस्वीरें दिखाते हैं यहाँ की। और देखिए, ये सामने कांग्रेस का मुख्यालय है जहाँ पर अभी कुछ कार्यकर्ता जा रहे थे। पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर आप तैनात देख सकते हैं। जो बसें हम दिखा रहे थे इसलिए मंगाई गई हैं कि अगर यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुँचते हैं तो उन्हें हिरासत में लिया जा सके। और इसके पीछे की जो वजह है, देखिए यहाँ पर जो लोग पुलिस के आए हैं, कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि एजेंसी से ये सूचना है कि आज यहाँ पर जो प्रोटेस्ट की तैयारी है राजभवन जाने की, उसमें आसपास के जो जिले हैं वहां से भी कांग्रेसी पहुंच सकते हैं। ऐसे में कोई भी लापरवाही पुलिस नहीं करना चाहती है। बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात है, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। ठीक है, बने रहिए शैलेश आप हमारे साथ। अविनाश का रुख करते हैं, दिल्ली में क्या हलचल है, क्योंकि कांग्रेस आज एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। दिल्ली से हमने पहले भी कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीरें देखी, आज क्या हलचल अविनाश वहां पर? जी देखिए, अगर बात करें तो इस वक्त मैं कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मौजूद हूँ। तस्वीरें आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। क्योंकि अंदर राहुल गांधी अभी प्रेस वार्ता कर रहे हैं और तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के वो यहाँ पर जमा हो गए हैं। और ये कांग्रेस पार्टी का मेन गेट है मुख्यालय का, और यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो तमाम सारे कार्यकर्ता है वो काली पट्टी बांध के यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और सबका मकसद एक ही है कि यहाँ से पीएम हाउस का घेराव करना, वित्त मंत्री के घर का घेराव करना। लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि पूरे दिल्ली में धारा 144 लागू है और कहीं भी प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, तो इन सभी को यहीं पर डिटेन करने की पूरी तैयारी है। और इसी के लिए दिल्ली पुलिस यहां पे भारी संख्या में तैनात है। और जैसे ये तमाम सारे कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे, बसें लगाई गई हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा यहां पे, और बसों में फिर इन तमाम सारे कार्यकर्ताओं को यहां से ले जाया जाएगा। तो ये पूरा आप दृश्य देख रहे हैं। अगर बात करें तो ये यहां पे जो तमाम सारे कार्यकर्ता हैं वो जमे हुए हैं। पंखुड़ी पाठक भी हैं जो कि नोएडा की विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी है। इन्हीं वजह से पंखुड़ी, किस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? आगे देखिए तमाम सारे बैरिकेड लगाए गए हैं और पुलिस जो है आप लोगों को डिटेन करने की कोशिश करेगी। देखिए, तैयारी तो पुलिस कर रही है, प्रशासन कर रहा है कि किस तरह से ये जो जनता की मांगों को लेकर जो हमारा आंदोलन है इसको रोका जाए। लेकिन हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। ये पहले से प्रोटेस्ट प्लान था और जबरदस्ती आखिरी समय पे जिस तरह से धारा 144 लगा के इसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, बहुत निंदनीय है। लेकिन कांग्रेस के सभी नेता कार्यकर्ता तैयार है और महंगाई के मुद्दे को हम लोग उठा के रहेंगे। तस्वीरें कांग्रेस मुख्यालय के एक बार अंदर भी आपको दिखाना चाहिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम सारे कार्यकर्ता हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के कौन से नेता दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं, इस प्रदर्शन में शामिल रहने वाले हैं, इसकी कोई जानकारी? जी देखिए, अगर बात करें तो यहाँ पे तमाम सारे जो नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं। खासतौर से अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी सांसद हैं, जिनमें से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश से भी सांसद आते हैं, जो कि भले से दूसरे राज्य से राज्यसभा सांसद हो लेकिन उत्तर प्रदेश के रहने वाले इमरान प्रतापगढ़ी हैं, प्रमोद तिवारी हैं, ये सब लोग अगर बात करें तो भी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। और देखिए ये मुख्यालय की तस्वीर है, यहाँ पे तमाम सारे लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और भारी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता जमे हुए हैं और सब एक ही यहाँ पे एक ही मकसद है कि जब राहुल गांधी यहाँ से निकले तो राहुल गांधी के साथ यहाँ से निकलते हुए आगे बढ़े। तो तमाम सारे कार्यकर्ता अंदर देखिए किस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। ये कांग्रेस मुख्यालय के अंदर की तस्वीर है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रदर्शन में शरीक हो रहे हैं। और यही कारण है कि आज तमाम सारे जो कार्यकर्ता है प्रदर्शन की किस तरीके से तैयारियां हैं वो तमाम तस्वीरें आपने हमको दिखाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।